कंपनी में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, वो भी कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से। इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। इसमें हम देखेंगे होंडा कंपनी में न्यू जॉब रिक्वायरमेंट निकल कर आया है, जो कि आपका कैंपस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पोजीशन आपका रहने वाला है, इसमें अप्रेंटिसशिप और एफटीसी मतलब फिक्स टर्म के लिए 6 मंथ के लिए रखेगा, और अप्रेंटिस आपका 1 ईयर के लिए रखेगा। और दोस्तों ये जो जॉब लोकेशन वाला है, होने वाला है कहाँ का, राजस्थान का होने वाला है। ठीक है, और इसमें सैलरी की बात करें तो आपका 12,850 रुपये से 24,250 रुपये पर मंथ रहने वाला है। क्वालिफिकेशन ITI पासिंग, फिटर ट्रेड, डीजल मैकेनिक, टर्नल, ऑटोमोबाइल वेल्डर, यानी कहा जाए तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से लिया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्ट का नहीं लिया जा रहा है। ठीक, ITI पास आउट आपका 2021 के बाद होना चाहिए, यानी 2021 होना चाहिए, 22 होना चाहिए और 23 होना चाहिए, है ना। देन उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों, तो एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप फ्रेशर रहेगा, और FTE 6 मंथ एक्सपीरियंस मांग रहा है। जो आपका FTE है फिक्स्ड टेन्यूल बेस पे जो है वह 6 मंथ के लिए रखेगा, वो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट को हायर करेगा। सैलरी तो हाई देगा लेकिन एक्सपीरियंस, और दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप कराएगा वह आप फ्रेशर हैं तो जा सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो अप्रेंटिस वालों के लिए है 18 से 23 वर्ष रहना चाहिए, और जो एफटी वाले हैं 19 से 25 ईयर के बीच रहना चाहिए, है ना। दोस्तों जो रिवाइज सैलरी आफ्टर 1 ईयर अप्रेंटिस एंड टेम्परेरी टेन्योर जो है क्या होगा, रिवाइज सैलरी होगा 1 साल के बाद, हो सकता है अप्रेंटिस कराने के बाद यह रख लें। ठीक है ना, तो आप पहले से रजिस्टर्ड कंपनी होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं, यानी आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए, पहले से ही कर लेना होगा, तभी आप कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल होता है उस पर आपको प्रोफाइल बनाना होता है, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलता है, तो वो आपका पहले से होना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, केवल UP के कैंडिडेट इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, बिहार वाले, झारखंड वाले सब नहीं आ सकते हैं, केवल UP के स्टूडेंट इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो रिज्यूम रहना चाहिए आपके पास, 10 मार्कशीट, ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो रहनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे बड़ी बात है कैंपस इंटरव्यू डिटेल, आप ये याद रखिएगा कहाँ पे आपका कैंपस लग रहा है। तो 12 जून को 2024 को लगेगा JS प्राइवेट ITI पलहीपट्टी भोजूबीर सिंधोरा रोड वाराणसी, याद रखेंगे कहाँ पे, JS प्राइवेट ITI पलहीपट्टी भोजूबीर सिंधोरा रोड वाराणसी UP में लगने वाला है 12 जून को। ठीक है, सुबह 9 बजे से, तो ये डेट आप याद रखेंगे, इस पते पे आप चले जाइए, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, JS प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ये कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इस पे आप संपर्क करके कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होंडा कंपनी की तरफ से जॉब रिक्वायरमेंट निकल कर आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि सभी को रोज़गार मिल सके। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल के माध्यम से डेली 2 से 3 वैकेंसी के बारे में अपडेट करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।